आपने पिछली बार जब हम लोगों से बात करी थी, आपने ये कहा था कि हो सकता है कि शरद पवार जी आगे चल करके, हो सकता है कि आगे चल करके शरद पवार जी उप प्रधानमंत्री बने। आज भी इस बात से मैं बिल्कुल इस बात को दोहराता हूं, क्योंकि शरद पवार जी की जब हम अष्टम भाव को देखते हैं, उनकी आयु बहुत अच्छी है, उनकी सेहत अच्छी रहेगी, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम से वो जूझ चुके हैं उसके आफ्टर इफेक्ट उनको डेफिनेटली झेलने पड़ सकते हैं। मगर शरद पवार जी जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ में कांग्रेस को मजबूत करेंगे, और मिसिस गांधी को उनका जो समर्थन रहेगा वो उसी तरह रहेगा जैसे वो कांग्रेस में थे, और अगले आने वाले दिनों में डेफिनेटली राहुल गांधी को भी उनका जो मार्गदर्शन लगेगा, और उसके हेतु मिसिस सोनिया गांधी जो है उनको राहुल गांधी के साथ में उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकती है।